हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, गर्मियाँ सब जगह बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे गर्मी में खाना बनाना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है दोस्तों, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है कि कुछ भी किचन में जाके बनाना मुश्किल हो गया है दोस्तों। तो बस आज मैं आप लोग के साथ इंस्टेंटली 3 से 4 मिनट में भिंडी की ऐसी चटपटी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा दोस्तों, और आपको ज़्यादा किचन में मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। रेसिपी को आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, साथ ही लंच बॉक्स में भी बच्चे से बड़े ले जा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल और सुगम है, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और हेल्दी भी है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। 1 चम्मच ही हम ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं लगता है। आपकी भिंडी की रेसिपी है दोस्तों, जिन्हें भिंडी नहीं पसंद एक बार इस ट्रिक से बना लेंगे ना दोस्तों तो उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और साथ ही थैलियाँ भर भर के आप भिंडी लाएंगे, बच्चे भी इसके फैन हो जाएंगे। सरसों का ऑयल गर्म हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से देखिए आप ऐसे करके हमने निकाल लिया है, अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे, इसके भिंडी हम डाल देंगे। तो भिंडी यहाँ पे मैंने 350 ग्राम लिया है दोस्तों। भिंडी को अच्छे से मैंने पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। ना ये तो ज़्यादा लंबे पीसेस में काटे हैं और ना ज़्यादा बड़े पीसेस में काटे हैं, बस मीडियम साइज के हैं। और उसके बाद इसको 15-20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था ताकि पानी के वजह से ये एकदम मैसी ना हो जाए, चिपचिपा ना हो जाए दोस्तों। देखिए हल्का सा हमने इन्हें रोस्ट कर लिया है, बस इसका क्रंच नहीं मारना है दोस्तों, इतना ही हमें भूनना है। प्याज और भिंडी को अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो बर्तन बदल भी सकते हो। बस यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल देंगे। गर्मी है, कम तेल मसाले में आपकी बेहतरीन सब्जी स्वादिष्ट बनने वाली है, मुंह से पानी आ जाएगा दोस्तों। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले यहाँ पे हम सौंफ डालेंगे, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे, साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच हम ब्लैक सरसों डालेंगे। सूखी हुई मिर्ची है, 4 मैंने ले ली है। यहाँ पे तेज पत्ता है, बेलीफ है, तो यहाँ पे मैंने 3 बेलीफ ले लिया है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो 15 से 16 लहसुन का पीस है दोस्तों, ये देखिए। इसको मैंने बारीक से नहीं काटा है, लंबा लंबा ही काटा है। तो प्याज ले लिया है, इनको इस तरह से मैंने काट लिया है, लंबा लंबा, एकदम ना मोटा ना ज़्यादा पतला, लंबा में थोड़ा मीडियम साइज का है, इसको काट लिया है दोस्तों। तो इस रेसिपी में लहसुन और प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, लहसुन और प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है इस रेसिपी में दोस्तों। बस इसको भी जब तक प्याज का कच्चापन नहीं चला जाता है उतना ही भूनना है, जलाना बिल्कुल नहीं है, इसका भी क्रंच रहने देना है दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, 1 से 2 बार लादने पर ही ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, भुना गए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको रफली चॉप कर लिया है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे सौंठ का पाउडर है तो 1/4 करीब हम यहाँ पे सौंठ का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो सौंठ के पाउडर के एवेज में फ्रेश जो जिंजर होता है उसको भी 1.5 इंच लंबा लंबा काट के आप फोरन में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पे 1/4 करीब हम टर्मरिक पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। हरी मिर्ची है, 6 से 7 हरी मिर्ची को इस तरह से लंबा लंबा करके चीरा करके मैंने काट लिया है। चिली फ्लेक्स है दोस्तों, तो 2 चम्मच करीब मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। मैगी का मैजिक मसाला है, तो ये 10 रुपये वाला पैकेट है तो काट लिया है। जो मसाला है इसमें हम ऐड कर देते हैं दोस्तों। इसमें और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे दोस्तों, इतनी ही सामग्री से ये बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बने। सूखा ही बनता है और इंस्टेंटली बनता है, इसीलिए ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करना पड़ेगा किचन में, पसीना घंटों नहीं बहाना पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से हमारा भून गया है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमने प्याज और भिंडी को रखा था इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे दोस्तों, और इस रेसिपी में हमें कुछ भी ढक्कन लगा के नहीं पकाना है, बस ओपनली सारे चीज़ों को हमने पकाया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और गैस का फ्लेम हाई है दोस्तों, ढक्कन वगैरह सब इसमें नहीं लगाना है, और इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे
लाड़ते हुए भूनेंगे दोस्तों, ताकि ये हमारा जले नहीं। हाई फ्लेम पे 3 से 4 बार ऐसे करके मिला गुला के हमने भून लिया है। और एक भी चीज़ आप देख सकते हो वीडियो में, मैं नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, टूटा नहीं है दोस्तों, एकदम खिला खिला है, एकदम क्रंच के साथ है, बहुत ही बढ़िया लगता है। बस इसी स्टेज पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आधा वो टमाटर इस तरह से सीड्स निकाल के लंबा लंबा करके हमने काट के रखा है। बस इस स्टेज पे हम इसको ऐड कर देंगे। तो दोस्तों टमाटर देने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 बार मिलाया गुलाया है। बस हमारी ये 3 से 4 मिनट वाली हमारी रेसिपी भिंडी की बन के रेडी हो गई है। दोस्तों यहाँ पे लेमन का रस है, ये आप देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 लेमन का रस मैंने ऐड कर दिया है। इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे दोस्तों। ये देखिए कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है, मैं नज़दीक से आपको दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया लग रहा है। लेमन का रस आप डाल दोगे तो इसका स्पाइसनेस जो है वो बैलेंस हो जाएगा और साथ ही इसका टेस्ट निखर के आएगा, बहुत ही अमेजिंग लगेगा खाने में, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। इसी स्टेज पे हम फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर लीव दे देंगे और हम कोरिएंडर लीव को भी इसके साथ मिला देंगे। ये टोटली हमारा बनके रेडी हो गया है। ये लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म ये सर्व करने के लिए रेडी है। किसी के साथ भी सर्व कीजिए दोस्तों, आनंद आ जाएगा। टोटली रेडी हो गया है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा और आसानी से बनेगा। कुक करना कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है दोस्तों, बस इंस्टेंटली जिन्हें नहीं बनाना आता है वो भी ये रेसिपी को फटाफट बना सकते हैं, अपने परिवारजनों का दोस्तों का दिल जीत सकते हैं दोस्तों। है ना कितना आसान खाना बनाना दोस्तों। तो अब से खाना बनाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है दोस्तों, बहुत ही सुपर यम्मी डिलीशियस। मैं नज़दीक से भी आपको इसका टेक्सचर कलर दिखा दे रही हूँ, हर एक चीज़ कितना कलरफुल लग रहा है और साथ ही दोस्तों देखिए हर एक चीज़ खिला खिला है। भिंडी का क्रंच हमने इसमें फ्रेश रखा है दोस्तों, भिंडी को एकदम चिपचिपा नहीं होने दिया है, एकदम मैसी नहीं हुए हैं, हर एक चीज़ खिला खिला है दोस्तों और खाने में आनंद आ जाएगा जिसके साथ भी सर्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही सुपर टेस्टी यमी हेल्दी रेसिपी से मिलते हो, तब तक आप फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ इसे एंजॉय कीजिए और खाते खाते प्लीज़ प्यारे से दोस्त को ज़रूर याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।